हेलो फ्रेंड्स, यू आर मोस्ट वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल ग्लोबल कंप्यूटर एकेडमी पटना। आज मैं विंडोज़ का सेकंड क्लास देने जा रहा हूं आपको। विंडोज़ का प्रैक्टिकली फर्स्ट क्लास मैंने आपको बताया था कि कंप्यूटर कैसे स्टार्ट होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज से स्टार्ट होने के बाद डेस्कटॉप आइकन्स आपका टास्क बनाता है, एंड हाउ टू स्टार्ट डिफरेंट प्रोग्राम्स, विभिन्न प्रोग्राम्स को कैसे स्टार्ट करते हैं, कैलकुलेटर, नोटपैड, वर्डपैड, पेन, ये मैंने बताया। आप मैं आज के वीडियो से वन बाय वन सभी प्रोग्राम्स के बारे में मैं बताने जा रहा हूँ। तो थोड़ा सा मैं कैलकुलेटर के बारे में भी आपको बताने जा रहा हूँ कि कंप्यूटर पे जब बैठते हैं, अगर हमें कभी कभी अचानक सडनली आपको कैलकुलेशन करना है तो आप कैलकुलेटर नाम के एप्लीकेशन से भी यूज़ करते हैं। जिस तरह से मोबाइल में कैलकुलेटर होता है, आप कुछ भी परसेंटेज निकालना, ऐड करना, मल्टीप्लाई करना करते, उसी तरह से कंप्यूटर में भी कैलकुलेटर प्रोग्राम है विंडोज़ का, जिससे हम लोग यूज़ करते हैं। अब देखो, मैं प्रैक्टिकली आपको दिखा रहा हूँ कि कैसे कैलकुलेटर में क्या क्या आप कर सकते हैं। आप तो सबसे पहले तो आपको कैलकुलेटर स्टार्ट करना, सबसे आसान तरीका, विंडोज बटन प्लस आर प्रेस कीजिए, CALC लिखो, इंटरफेस कर लो, कैलकुलेटर स्टार्ट हो गया। अब स्टार्ट होने के बाद आप समझिए कि ये सबसे लास्ट वाला जो बटन होता है, क्लोज होता है, जो रेड क्रॉस में दिखता है, यहाँ से आपका प्रोग्राम बंद हो जाता है। फिर विंडोज आर प्रेस किए, कैलकुलेटर CALC लिख के इंटर, यहाँ से स्टार्ट हुआ। इसमें मैक्सिमाइज बटन यहाँ पे नहीं काम कर रहा, मिनिमाइज काम करता, मिनिमाइज मतलब फोल्ड होकर के नीचे चला है। अब फिर वहाँ पे क्लिक करेंगे, स्टार्ट हो जाएगा। दिस इज अ टाइटल बार, किसी भी प्रोग्राम के सबसे ऊपर वाले लाइन को टाइटल बार कहते हैं। टाइटल बार के लेफ्ट साइड में यहाँ पे दिख रहा है कि कौन सा प्रोग्राम खुला हुआ है, कैलकुलेटर, और राइट साइड में तीन बटन दिख रहा है, क्लोज का, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज। यहाँ पे हम लोग सबसे पहले आपको क्या करना है, व्यू पे जाना है। अब कैलकुलेटर का अलग अलग टाइप होता है, या फर्स्ट ऑफ ऑल आपको स्टैंडर्ड लेना, मतलब व्यू में जा कर के व्यू पे क्लिक करेंगे और स्टैंडर्ड सेलेक्ट करोगे। यहाँ पे जाके आप बेसिक सेलेक्ट करेंगे और बाकी कुछ भी ऑन है उसको हटा दें। थोड़ा सा यूज है जो समझने की कोशिश कर रहे हैं। अब ये स्टार्ट हो गया जस्ट लाइक कैलकुलेटर जैसा। अब यहाँ पे आप कैलकुलेटर का सब बना हुआ है, अब डिवाइड करना है, रूट निकालना है, परसेंट निकालना है, प्लस माइनस सब दिया हुआ है। अब अगर मान लो जैसे हमें ऐड करना है, यहाँ पे देखो आप लोग ऐड कर सकते हैं, जैसे 25 प्लस 30 प्लस 2.5, अब ऐसे हम दे दिया, अब इक्वल टू पे यहाँ पे ऐड हो गया। फिर इसको तो ऐड कर सकते हो, फिर सी पे क्लिक कर दिया, क्लियर हो गया। माइनस करना है तो 25 माइनस 3, तो माइनस भी कर सकते हो, सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, ऐड कर सकते हो, मल्टीप्लाई करना 5 × 6 × 2.4 या 2.5, तो कितना मल्टीप्लाई हो गया है वो बताएगा। डिवाइड करना है 25 / 4, तो वो डिवाइडेड कर दिया। अगर हमें मान लो रूट निकालना है 16 का स्क्वायर रूट, तो 16 लिख करके जैसे रूट पे क्लिक किया तो 4 हो गया। फिर अगर हम 25 लिख करके रूट पे क्लिक करते हैं तो ये 5 हो गया। फिर अगर परसेंटेज निकालना है कि 300 का 20%, तो 300 × 20, फिर परसेंट पे क्लिक कर दिया तो 300 का 20% निकाल देगा कितना हुआ, ठीक है। तो इस तरह से आप परसेंटेज वगैरह ऐड, अब जैसे निकालना है कि 500 का मान लो 10%, तो 500 × 10 और परसेंट पे क्लिक कर दिया तो यह परसेंटेज निकल गया। ऑनलाइन क्लासेस का ठीक, ऐसे ही सबका इसको, सबका इसको सिस्टम।
ओके फ्रेंड, तो ऐड करना, मल्टीप्लाई करना, डिवाइड करना, सब्ट्रैक्ट करना, रूट, परसेंटेज समझ रहे हो यहाँ पे निकालने के लिए। तो सबसे पहले कैलकुलेटर स्टार्ट करने के बाद यहाँ स्टैंडर्ड लेना है, यहाँ बेसिक लेना है, यहाँ पे ऐड, मल्टीप्लाई, डिवाइड, परसेंटेज, ये सब निकाल। अब यही सारा काम देखो कीबोर्ड का इधर नम लॉक होता है, आपको क्या करना है कि कीबोर्ड के राइट साइड में जो नम लॉक होता है उसको ऑन रखना है। अब यहाँ से सारा ऐड वगैरह कर सकते हो। आप कीबोर्ड पे ध्यान दोगे राइट साइड में नम लॉक होता है, तो नम लॉक जैसे ही प्रेस करते हैं तो ऊपर में एक लाइट जलता है, उसको ऑन ऑफ ऑन करके रखना है काला को। उसके बाद इधर भी राइट साइड में दिया प्लस है, माइनस है, मल्टीप्लाई। अब जैसे अगर ऐड करना तो 25 प्लस विदाउट माउस आप 25 प्लस 30 प्लस 2.5 2.5 नीचे से और इंटर प्रेस करोगे तो यहाँ से भी ऐड हो जाएगा। लास्ट में जीरो प्रेस कर देना है, घटाना है 25 माइनस 4.2 तो यहाँ पे लिख दिया तो घटा दिया, फिर जीरो लिख दिया, मल्टीप्लाई करना है 5 × 4 × 1.5 तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, डिवाइड करना है तो 25 / 4 तो कितना हुआ वो बता दिया। अब परसेंटेज निकालना है तो 300 × 20/100 तो 300 का 20% निकल गया 60। डैट मीन्स आप माउस से भी आप यहाँ से कर सकते हैं परसेंटेज, मल्टीप्लाई, ऐड, डिवाइड। आप कीबोर्ड का राइट साइड में जो न्यूमेरिक की पैड होता है वहाँ से नम लॉक को ऑन करके वहाँ से भी ऐड, मल्टीप्लाई, ये सब कर सकते हैं। तो पहला काम तो आप समझना है कि दो तरह से ऐड करना सीखना है, सब्ट्रैक्ट करना है, मल्टीप्लाई है, डिवाइड है, परसेंटेज है, और यहाँ पे फिर रूट, स्क्वायर रूट निकालना है। नेक्स्ट वन आपको क्या करना है, यहाँ से जा करके यूनिट कन्वर्जन लेना है। जैसे अगर किसी ने पूछा कि एक मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है, एक इंच में कितना सेंटीमीटर होता है, एक फीट में कितना इंच होता है, तो आपको एक यूनिट कन्वर्जन भी हम लोग, तो लेंथ जो हो गया यहाँ पे जैसे फीट है, इंच है, वो लेंथ ना आपने, तो यहाँ से जाके आप यूनिट कन्वर्जन पे क्लिक करेंगे, यहाँ से जा करके लेंथ लेना है। सबसे पहले यहाँ पे लेंथ लेना है। अब यहाँ पे हमने क्लिक वन लिख दिया और वन लेने के बाद यहाँ पे मीटर ले दिया। अब वन यहाँ पे आप मीटर लेते हो और उसको सेंटीमीटर में देखना है, तो यहाँ जा करके फिर सेंटीमीटर कर लें, तो एक मीटर में कितना सेंटीमीटर वो बता दिया। अगर फिर यहाँ से जा करके एक फीट लेते हो और एक फीट में कितना इंच होता है वो जाके आप लोगे तो इतना बता देगा। अगर एक इंच लेते हैं और उसमें कितना सेंटीमीटर होता है तो यहाँ पे एक इंच में कितना 2.54 सेंटीमीटर होता है। तो ये यूनिट कन्वर्जन भी है कि आपको अचानक अगर कंप्यूटर पे बैठे हो कभी यूनिट बदल के देखना है तो आप चेंज कर सकते हो। नेक्स्ट यहाँ पे जा करके वेट लेना है। वेट मतलब वजन ना आपने, जैसे एक किलोग्राम में कितना ग्राम होता है तो वन लिख दिए और यहाँ पे जा करके अगर किलोग्राम हम लोग लेते हैं तो एक किलोग्राम ले लिया और यहाँ पे फिर ग्राम ले लेंगे तो एक किलोग्राम में कितना ग्राम होता है वो बता देगा। नेक्स्ट जैसे टेम्परेचर है, हम लोग का बॉडी का जो टेम्परेचर मेजरमेंट किया जाता है वो फारेनहाइट यूनिट में होता है। आप किसी का बुखार मान लो कि अगर उसका दिखा रहा है कि 104 डिग्री फारेनहाइट, उसको आपको बोला कि कितना सेंटीग्रेड में होगा या सेल्सियस में होगा तो वो कैसे बदलेंगे। तो यहाँ जाके पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आपको टेम्परेचर लेना है। टेम्परेचर लेने के बाद यहाँ पे लिखना है 104 डिग्री और ये फारेनहाइट यहाँ पे सिलेक्ट करना है, नीचे आप सेल्सियस में हो तो 104 डिग्री अगर फारेनहाइट में है तो ये इसका सेंटीग्रेड में बदलने पे क्या होता है 40 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब हमारे बॉडी का जो टेम्परेचर जो थर्मामीटर होता है वो फारेनहाइट में मेजरमेंट करता है, उसको सेल्सियस में बदला तो इतना। तो आपको यूनिट कन्वर्जन भी देना, फिर यहाँ से जा करके बेसिक पे कर दोगे व्यू पे तो नॉर्मल हो जाएगा। तो पहले तो व्यू पे जाके स्टैंडर्ड रखना है, नेक्स्ट आपको यहाँ पे बेसिक रखना है और ऐड करना, मल्टीप्लाई करना सीखना है। नेक्स्ट आपने देखा कि यूनिट कन्वर्जन कैसे होता है वो। इसके बाद होता है एक डेट कैलकुलेशन। डेट कैलकुलेशन व्यू में जा करके आप सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे इस तरह से दिखाई देगा, यहाँ पे दिखा रहा है कि डेट कैलकुलेशन कैसे होता है। जैसे हम लोग फॉर्म वगैरह भरते हैं तो पूछता है कि डेट ऑफ बर्थ कब से है और एक फॉर्म भरते हैं तो 18 साल हो रहा है कि नहीं, तो अगर किसी का जन्मदिन है कब से कब तक निकालना है यहाँ पूछ रहा है। अब मान लो यहाँ पे क्लिक किया और ये मैनुअल भी निकाला जाता है और कंप्यूटर पे भी निकाल सकते हैं। अब अगर किसी का जन्मदिन है मान लो कि 1999 को, तो यहाँ पे क्लिक किया 2020 पे और इससे मिनिमाइज घटाते जाओगे, अब 1999 कर दिया, 1999 पहले तो यहाँ कर दिया हमने, हो गया कल से बैच चालू हो गया, 1999 कर दिया। और मान लो किसी का जन्मदिन है मार्च, तो मार्च को 5 मार्च अगर 1999 को है और ये आज के डेट तक निकालना है कि 7/6/2020 तक का वो कितने साल का हो गया, कितने मंथ हो गया, कितना, तो यहाँ पे फॉर्म में डेट दे देना है, यहाँ पे 2 पे सेलेक्ट करना है और उसके बाद कैलकुलेट कर देगा। तो देखो दिखा दिया 21 साल 4 महीना और 1 दिन। तो डेट कैलकुलेशन भी आप करते हैं, फॉर्म वगैरह भरना होता है अगर नहीं निकालने आता है तो कंप्यूटर से भी आप यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हो। तो यहाँ पे जाके अब जैसे किसी का है 98 का है, तो 98 ले लिया, अगर अक्टूबर में है
15 अक्टूबर को है, तो 15 अक्टूबर दे दिया। अब यहाँ पे किसी को निकालना, 1 जनवरी का ही निकालना है, तो 1 जनवरी 2020 तक, तो यहाँ पे 1 जनवरी 2020 कर दिया और कैलकुलेट कर दिया, तो 21 साल 2 महीना 2 वीक्स और 23। तो कैलकुलेटर में आपको दो चीज़ इंपॉर्टेंट है जो आप समझ सकते हैं, यूनिट कन्वर्जन कैसे बदला जाता है, डेट कैलकुलेशन कैसे बदला जाता है, और फिर बेसिक करके ऐड करना है। इसके बाद देखो यहाँ पे एक साइंटिफिक है, जैसे अगर साइंटिफिक में जाके कोई बोला कि साइन 90 डिग्री कितना होता है, तो साइंटिफिक कैलकुलेटर भी होता है, इसमें भी बहुत सारा काम हम लोग कर समझते हैं। अब जैसे साइन 90 डिग्री है तो 90 लिख करके और साइन पे क्लिक करो तो साइन 90 डिग्री 1 होता है, फिर सी पर यहाँ पे क्लिक कर दिया, 0 लिख करके अगर कॉस पे क्लिक करेंगे तो कॉस 0 डिग्री 1 होता है, ठीक है। अगर स्क्वायर निकालना है 4 का स्क्वायर तो 4 लिख करके स्क्वायर कर दिया तो 16 हो गया, अगर 4 का क्यूब निकालना है तो 4 लिख के क्यूब तो 4 × 4 × 4 64, अगर 2 पर पावर 5 निकालना है तो 2 कर दिया एक्स वाई या 5 कर दिया तो 2 पर पावर 5 इक्वल टू, तो एक्स का मान हो गया 2, 5 कर दिया। कैसे हुआ फिर से देखो, पहले 2 पे क्लिक करना है, फिर एक्स वाई पे क्लिक करना है, फिर 5 पे क्लिक किया, देन इक्वल टू, तो 2 पर पावर 5 मतलब 2 × 2 5 टाइम्स हो गया तो 32 आ गया। तो डैट मीन्स ए सिंपल सा, आप जैसे पाई पे क्लिक कर, पाई का मान 22/7 होता है, 3.14 हो गया। तो इस तरह से कैलकुलेटर का भी यूज़ कर सकते, फिर स्टैंडर्ड करोगे तो नॉर्मल हो जाएगा। तो आपको सबसे पहला प्रोग्राम विंडोज़ का ये है, कैलकुलेटर नाम का प्रोग्राम है, इसको स्टार्ट करके सिंपल ऐड मल्टीप्लाई डिवाइड परसेंटेज, कम से कम इतना तो आपको कैलकुलेटर का यूज़ करना ही करना। ओके फ्रेंड्स, तो कैलकुलेटर को घर पे आप यूज़ करके देखिए, दिस इज़ द फर्स्ट प्रोग्राम जो मैंने बताया। अगर कोई डाउट होता है, अगर नहीं कर पाते हैं प्रैक्टिकली करके देखिए, अगर दिक्कत होता है तो फिर से आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो, या मेरे व्हाट्सएप नंबर पे या नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। दूसरा प्रोग्राम जो मैं बताने जा रहा हूँ वो आपको नोटपैड के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन। आप कैलकुलेटर तो हो गया, कंप्यूटर स्टार्ट करके करेंगे क्या, तो मैंने कैलकुलेटर का यूज़ सीख लिया। अब कोई लिखना चाहता है कि कंप्यूटर पे हम लिखने से रिलेटेड काम सीखना चाहते हैं, तो लिखने के लिए कंप्यूटर में सबसे सिंपल जो प्रोग्राम होता है डैट मीन्स नोटपैड, तो लिखने के लिए नोटपैड यूज़ करेंगे, उससे एडवांस होगा तो वर्डपैड होगा, उससे एडवांस फिर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड होता है। तो पहले थोड़ा सा नोटपैड समझने की कोशिश करते हैं। तो नोटपैड विंडोज़ का ही एक प्रोग्राम है, इसमें हम लोग लिख सकते हैं और इसमें टेक्स्ट फाइल बनाया जाता है, सिंपल टेक्स्ट होता है, इसमें फॉर्मेटिंग वगैरह आप नहीं करेंगे, कलर्स वगैरह का फीचर्स नहीं होता है, और सारा अगर हिंदी लिख रहे हो तो सारा हिंदी लिखाएगा, इंग्लिश लिखना है तो ये। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको नोटपैड स्टार्ट करो, तो विंडोज प्लस आर प्रेस किया और यहाँ पे नोटपैड लिख दिया और इंटर, नोटपैड किसी भी तरह से स्टार्ट हो गया। अभी नोटपैड का विंडो आ गया, नोटपैड का विंडो आ गया। अब यहाँ से देखो, ये इसको 3 बटन है, ये टाइटल बार है जैसे कैलकुलेटर में था, टाइटल बार में दिख रहा है कि कौन सा प्रोग्राम खुला हुआ, किस नाम का फाइल है। राइट साइड में 3 बटन होता है, मिनिमाइज का बटन है, मिनिमाइज का मतलब प्रोग्राम खुला हुआ रहता है बट वो रैम में लोड है और फोल्ड होकर के डेस्कटॉप पे आ गया, फिर इस पर क्लिक किए। ये मैक्सिमाइज बटन होता है, फिर ये रीस्टोर इसी से होता है छोटा, इससे बंद होता है। ये टाइटल बार से पकड़ के इस विंडो को आप डेस्कटॉप पे मूव कर सकते हो, कहीं भी चारों तरफ से रिसाइज कर सकते हो। यहाँ से हॉरिजॉन्टल रिसाइज होता है विंडो, इधर से वर्टिकल रिसाइज होता है, यहाँ से डायगोनल रिसाइज कर सकते हो। तो चारों तरफ से आप विंडो को रिसाइज वगैरह करके देखना। ये चीज़ आपको माउस से भी होता है, माउस से भी कैसे होता है रिसाइज वगैरह वो समझो। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको अल्ट दबाए रखना है, तो बाएं हाथ से आप अल्ट प्रेस रखो, उसके बाद स्पेस प्रेस करना है। तो देखो जैसे ही अल्ट स्पेस प्रेस किया यहाँ पे सब ऑप्शन आ रहा है। आप मैक्सिमाइज करना है तो मैं हर जितने भी ऑप्शन है सब में एक लाइन अंडरलाइन दिख रहा है, जिसको एक्टिव की हॉट की कहा जाता है। आप मैक्सिमाइज के लिए एक्स है, मतलब फिर आप एक्स प्रेस करोगे तो मैक्सिमाइज हो गया, मतलब अल्ट। अब फिर अगर री स्टोर करना है तो अल्ट स्पेस री स्टोर के लिए देखो आर है, तो आर प्रेस किया तो री स्टोर हो गया। तो अल्ट स्पेस एक्स से मैक्सिमाइज होता है, अल्ट स्पेस आर से री स्टोर होता है। अल्ट स्पेस मिनिमाइज करना है तो एन प्रेस करना तो नीचे आ गया, फिर अल्ट टैब आप प्रेस करेंगे तो उससे आपका प्रोग्राम फिर से ओपन हो जाएगा, तो फिर से ओपन हो गया। फिर अल्ट स्पेस एक्स मैक्सिमाइज, अल्ट स्पेस आर री स्टोर, अल्ट स्पेस एन मिनिमाइज, और मिनिमाइज विंडो को अगर खोलना है तो अल्ट प्रेस करके टैब प्रेस करना है और फिर वहाँ पे आपका छोड़ना है तो नोटपैड खुल जाएगा। अगर इसको कीबोर्ड से मैक्स रिसाइज वगैरह करना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो पहले तो इसको री स्टोर कर लेना है। आप इसको री स्टोर कर लीजिए, री स्टोर करने के बाद अल्ट स्पेस एस प्रेस करेंगे तो यहाँ पे 4 एरो बनता है, तो 4 कीबोर्ड के एरो की से इसको अप डाउन आप चारों तरफ से रिसाइज कर सकते हो। रिसाइज जब हो जाए तो लास्ट में आपको इंटर प्रेस करना। कैसे रिसाइज हुआ, प्रोग्राम के विंडो को पहले री मैक्सिमाइज रहेगा तो रिसाइज नहीं कर सकते, पहले इसको री स्टोर करो, देन अल्ट स्पेस
एस प्रेस करना है, फिर उसके बाद चार वो कीबोर्ड का एरो की कर यूज करना है जिससे आप इसके विंडो को छोटा बड़ा कर सकते हो। लास्ट में इंटर प्रेस करना है। इसी तरह से मूव करना है तो अल्ट स्पेस मूव है तो मूव के लिए एम है, एम प्रेस किया वहाँ चार एरो, इसको आप डेस्कटॉप पे मूव कर सकते हो, ठीक है, तो कहीं भी आप मूव कर सकते हो। लास्ट में इंटर प्रेस करना, तो कीबोर्ड से आपको माउस से भी मैक्सिमाइज मिनिमाइज ये स्टोर रिसाइज कर सकते हो, कीबोर्ड से भी है। तो कीबोर्ड से क्या क्या हुआ, अल्ट स्पेस एक्स मैक्सिमाइज, अल्ट स्पेस आर ये स्टोर, अल्ट स्पेस एन मिनिमाइज, अल्ट टैब से ओपन होगा प्रोग्राम, और साइज बढ़ाना अल्ट स्पेस एस जिससे आप साइज साइज कर सकते हो। लास्ट में इंटर स्टॉप करने के लिए, फिर अल्ट स्पेस एम तो इससे मूव कर सकते हो, लास्ट में इंटर। अब प्रोग्राम को बंद करना है तो ऊपर से भी बंद होता है, कीबोर्ड से अल्ट एफ फोर भी प्रेस कर सकते हो या अल्ट स्पेस सी प्रेस करोगे तो बंद हो जाए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको नोटपैड स्टार्ट करना है, कैलकुलेटर के बाद नोटपैड प्रोग्राम सीखिए। स्टार्ट करने के बाद ये नोटपैड का विंडो कहलाता है, अब ये स्टार्ट हो गया, इसके बाद माउस से आप इसको मैक्सिमाइज रिस्टोर करिए, यही सारा काम कीबोर्ड से कर सकते हो। सो फ्रेंड्स, ये दो प्रोग्राम। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको पूरा नोटपैड का वर्क बताऊंगा, आज मैक्सिमाइज मिनिमाइज सिर्फ मैंने बताया है, और कैलकुलेटर इसको आप प्रैक्टिकली घर पे करके देखें। नेक्स्ट क्लास में नोटपैड का मैं वर्क सिखाऊंगा प्रैक्टिकली। सो फ्रेंड्स, मस्ट वॉच होल वीडियो, आप घर बैठे अपने फैमिली को, अपने फ्रेंड्स को, किसी को भी आप ये दीजिए, आप घर बैठे वन बाय वन प्रैक्टिकली कंप्यूटर सीख सकते हैं। इसका थ्योरेटिकल भी आपका वीडियो होता है, वन बाय वन कहीं भी सीख सकते हैं। सो फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे ऑल ऑफ यू। सो आप इसको यूज़ करिए, थैंक यू, आ जाओ।